वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के बारे में कि अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं हैदराबाद का तो कितना खर्चा आ सकता है 4 दिन और 3 रात का। इसमें हम आपको बताने वाले हैं खाने के बारे में कि खाना का कॉस्ट कितना आ सकता है, होटल कैसे आप बुक कर सकते हैं, सस्ता होटल कितने तक का मिल जाएगा आपको, और उसके बाद हम बताने वाले हैं वो टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है जहाँ पर आप हैदराबाद में जाके घूम सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम आपको बताने वाले, तो बने रहे इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। तो अभी जस्ट सब्सक्राइब कर दो, आगे हम बात करते हैं सीधे टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो यहाँ पर सामने हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा ये सब है टूरिस्ट प्लेस, क्या क्या है हैदराबाद में। चार मीनार है, गोलकुंडा किला, रामोजी फिल्म सिटी, बहुत बड़ा फिल्म सिटी है, हुसैन सागर झील, बिरला मंदिर, जल विहार, फलकनुमा महल, मक्का मस्जिद, ये सभी जगह है जहां पर आप जाके हैदराबाद में घूम सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्लेस है। और यहां पर सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है रामोजी फिल्म सिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि वहाँ पर आपको एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो बाहुबली फिल्म है, साउथ की फिल्में वहीं पर होती हैं, बनती हैं, तो ये ज़रूर आप जाएं तो वहाँ पर कवर करें। अब हम आगे बात करें कि इतना सारा जब आप घूमेंगे ना तो 4 दिन आपका इजीली बीत जाएगा, वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम बात करेंगे सीधे होटल के बारे में कि अब हम वहाँ पर तो जा तो रहे हैं, ये तो प्लेस देख लिया हमने, अब होटल देखते हैं कि होटल कितने तक का आपको मिल जाएगा वहाँ पर। देखो तो सिंपल सा चीज़ें हैं, होटल एक ऐसा जगह है जहाँ पर किसी भी शहर में जा रहे हो तो होटल तो लेना ही लेना पड़ेगा, या तो धर्मशाला आप ले लो, ठीक है। तो होटल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन होटल में देखा जाए तो 600 रुपये से विथ AC के साथ स्टार्ट है और 1300 रुपये तक का जाता है। मैं ऐसा नहीं कि इससे हाइएस्ट नहीं जाता है, जाने के तो 50,000 रुपये तक का होटल मिल जाएगा, लेकिन हम लोग एक बजट पर बता रहे हैं तो इसमें हम सबसे एक अनुमान बता सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं जाना है ना, इससे कम। तो 600 रुपये से लेकर 1300 रुपये के आसपास में आपको होटल मिल जाता है AC वाला, और जो एवरेज निकाल के लाते हैं हम लोग वो कम से कम आपको 800 रुपये में अच्छा होटल मिल जाएगा AC वाला एक रात रुकने के लिए। तो 3 रात का होटल कॉस्ट जो आता है वो आप अपना इंक्लूड बताएंगे अभी आगे, 2400 रुपये। और मैं बात करूँ कि ये जो होटल कॉस्ट है ये और भी कम बेसी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह से आप बुकिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कभी भी आप होटल वोटल बुकिंग कर रहे हो तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 9118192020, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो जो ऑफ़र होगा उस समय मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, वहाँ पर आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सीधे खाने पीने का। तो खाने पीने में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आता है जो कि सभी लोग खाना पसंद करते हैं, और ब्रेकफास्ट की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, बहुत सारे लोग ग्रीन टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, कुछ लोग ब्रेड टोस्ट लेते हैं, ब्रेड ऑमलेट लेते हैं, ब्रेड चाय लेते हैं, तो सबका अलग अलग नज़रिया होता है खाने पीने का, सब लोग अपने अनुसार खाते हैं। तो अब हम बात करें कि इसका कॉस्ट कितना आता है। सुबह सुबह अगर हम हैदराबाद में हैं तो हमारा 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास में हमारा कॉस्ट आता है। देखो हैदराबाद बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि एक ही छोटा सा है, बहुत बड़ा है। तो जो मुख्य घूमने के प्लेसेस थे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 100 रुपये के आसपास में हम मान के चलते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट आएगा। अब हम बात करेंगे सीधे लंच के बारे में कि हमारा लंच कितने तक का आ जाएगा, मतलब कि दोपहर का खाना। तो दोपहर का खाना देखो सिंपल सा, वहाँ पर आप खाओगे तो आपका जो कॉस्ट आएगा 200 रुपये आएगा, 200 रुपये में आप इजीली पेट भर के खाना खा सकते हो हैदराबाद में, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिनर के बारे में। अब डिनर भी देखो एक चीज़ याद रखना, कोई भी जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लेंगे तो इतने ही आएगा कॉस्ट, ये अमाउंट बढ़ सकता है अगर आप खाने में और भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं एवरेज बता रहा हूँ कि इतना खर्चा आ सकता है आपको खाने का अगर आप नॉर्मल होटल में जाकर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिनर का। डिनर भी आपका आराम से इजीली 200 रुपये में हो जाएगा रात का खाना, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चिकन वुकन ऐड करेंगे तो ये आपके अमाउंट बढ़ता जाएगा, और ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने ट्रिप को कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा डिनर का हो गया कितना हुआ, डिनर का 200 रुपये, 200 रुपये हमारा लंच का हो गया, 100 रुपये हमारा ब्रेकफास्ट का हो गया, मतलब एक दिन का जो खाने का खर्चा आता है हमारा 500 रुपये आता है,
₹500 एक दिन का आता है, तो हमारा टोटल जो खर्चा आता है सीधे खाने का 4 दिन का वो ₹2,000 आता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं कि ट्रेवल टूरिस्ट कॉस्ट कितना आता है हमारा। देखो ट्रेवल टूरिस्ट कॉस्ट का मतलब कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हम या तो उसका शेयरिंग में प्राइवेट बस यूज़ करते हैं, या फिर हम प्राइवेट टैक्सी यूज़ करते हैं शेयरिंग में, या फिर ट्रेन यूज़ करते हैं, या फिर लोकल जो भी वहाँ पर चलता है आने जाने के जो संसाधन हैं उसको हम यूज़ करते हैं, तो वो आपका एक ट्रेवल कॉस्ट आ जाता है। ये जो मैं कॉस्ट बता रहा है जब आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं तब से ये स्टार्ट है। ठीक है, तो जो ट्रेवल कॉस्ट आता है वो ₹2,500 के आसपास में आता है। 4 दिन में आपका ₹2,500 हैदराबाद में ट्रेवल कॉस्ट खर्चा होगा। ठीक है, ये अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपकी, ये फिक्स ही रहेगा, घट बढ़ सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, कैसे आप क्या चीज़ें आप ले रहे हो। अब देखो पूरा खर्चा कितना आ रहा है आपका हैदराबाद में खाने पीने का, घूमने का और होटल का। तो पहले खाने पीने का हमने आपको बताया था सीधे ₹2,000 आएंगे खाने पीने का, और इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि ट्रेवल कॉस्ट कितना आता है, ट्रेवल खर्चा कितना आता है। सीधे ट्रेवल कॉस्ट आपका ₹2,500 आता है, जो कि यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, देख सकते हो ₹2,500 आपका ट्रेवल कॉस्ट आता है। अब बात करते हैं होटल के बारे में, तो होटल आपका आ जाता है ₹2,400 में, यानी कि हमने आपको बताया था कि ₹800 में आपको एक रात का होटल मिल जाता है, मतलब 3 रात का आपका ₹2,400 हो गए। अब ये सब चीज़ें क्या है, सब प्राइस है खाने का, ट्रेवल कॉस्ट होटल का। अब टोटल हम आपको बताते हैं कितना खर्चा आ रहा है यहाँ पर घूमने का, तो पूरा टोटल खर्चा आ रहा है ₹6,900। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, ये अमाउंट फिक्स नहीं है, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, ये अमाउंट घट भी सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से इस ट्रिप को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं तो ये जो अमाउंट है ये आपके ऊपर डिपेंड तो कर ही रहा है कि आप अपने ट्रिप को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट सिस्टम आपको अच्छा आता है तो ये अमाउंट और भी कम हो जाएगा। मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है मतलब किस तरह से खाना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर घूमना है, कैसे घूमना है, तो ये सब चीज़ें आपको एक कला है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट सिस्टम नहीं सही है तो ये अमाउंट बढ़ भी और भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये 6,000-7,000 रुपये आ रहा है ना, ये और भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कभी भी हैदराबाद जा रहे हैं घूमने के लिए तो ये मान के चलो आप 14,000-15,000 रुपये के आसपास में लेके जाएंगे, तब आपका एक अच्छा सा ट्रिप कम्प्लीट होगा। तो ये सब चीज़ें हमेशा याद रहें, ये नहीं कि हम अपने इच्छा अनुसार शुरुआत कर दिए ट्रिप को तो खूब अच्छे महंगे महंगे डिश खा गए, महंगा होटल बुक कर दिए, तो ये सब चीज़ें आपका महंगा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए बाय।